लोकसभा चुनाव के मतगणना के अंतिम राउंड के बाद जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेय ने गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला के विजय की घोषणा की। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजय प्रत्याशी रविकिशन को जीत का प्रमाण पत्र दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा, गोरखपुर सांसद क्षेत्र का 35वां राउंड समाप्त हो गया। 35वां राउंड के बाद का प्रगति, आशीष कुमार सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 8157 मत प्राप्त हुआ इसको, मधुसूदन त्रिपाठी इंडियन नेशनल कांग्रेस 22855 मत प्राप्त हुआ है, रवि किशन भारतीय जनता पार्टी से इनका 7,15,010 मत प्राप्त हुआ है, रामभुवन निषाद समाजवादी पार्टी इनको 4,14,340 मत प्राप्त हुआ है, अभिषेक चंद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनका 4,317 मत प्राप्त हुआ है, अवधेश कुमार सिंह जाने हिंद फोरम 1,305 मत प्राप्त हुआ है, जयप्रकाश मिश्रा राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया उनका 1,335 मत प्राप्त हुआ है, जितेंद्र कुमार ज्वाला दल उनका 1,572 मत प्राप्त हुआ है, श्याम नारायण यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया उनका 2,702 मत प्राप्त हुआ है, सुभाष चंद्र दुबे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1,982 मत प्राप्त हुआ है, एवं नोटा में 7,657 मत टोटल प्राप्त हुआ है। उसी के हिसाब से 35वां राउंड का अंतिम चरण में रवि किशन भारतीय जनता पार्टी 7,15,010 वोट से आगे है। दूसरे स्थान पे रामभुवन निषाद समाजवादी पार्टी ने 4,14,340 मत प्राप्त किए। तीसरे स्थान पे मधुसूदन त्रिपाठी इंडियन नेशनल कांग्रेस 22,855 वोट से तीसरे नंबर पे। हिसाब से 3,01,664 मत ज्यादा प्राप्त होकर के श्री रवि किशन विजय घोषित हुए। ओरिजिनल आपके संभाल के रखिएगा, एक ही प्रति मिलता है भैया। एक बार जी, आज मतगणना शांतिपूर्वक हुआ है, गोरखपुर और जो यहाँ बासगांव दोनों सांसदीय क्षेत्र का और खजनी के भी एक क्षेत्र का हुआ है। समय से हम लोग समाप्त कर दिए हैं, तमाम टेक्निकली कठिनाई हुई थी बट फिर भी हम लोग समय से समाप्त कर दिए, शांतिपूर्वक मतदान रहा है। वो सभी जो गोरखपुर वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, ताकि ये पूरा प्रोसेस को बहुत शांतिपूर्वक कराया और अच्छा भारी मत भी प्राप्त हुआ है, उसी के मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम लोग तो पूरा गोरखपुर का हम लोग वो किए हैं, उसी के हिसाब से 3,00,000 कुछ मत से वो जो रवि किशन जीत प्राप्त हुए हैं उन्हीं का पहला नंबर पे है। दूसरा नंबर पे रामभुवन जी, उन्हीं का तो 4,00,000 कुछ मत प्राप्त हुआ है, वो डिटेल आप ले सकते हैं। बाकी तो ओवरऑल तो अलग अलग हम देखते नहीं, पूरा 5 विधानसभा मिलते हुए हम करते हैं।